अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समीना जलील और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पकाओ दिल से। जी जनाब, पकाओ दिल से, खिलाओ भी दिल से। आज क्या बनने जा रहा है? बड़ी कोई ज़बरदस्त सी, यूनिक सी एक फ्यूजन रेसिपी हम आपको दे रहे हैं आज। कबाब हमने बहुत सारे आपको बनाना सिखाए हैं, आप इंशाल्लाह ताला आपको बनाना सिखाते भी रहेंगे। सीख कबाब, कोला कबाब या टर्किश कबाब, ये वो रेसिपीज़ हैं जो हमेशा हर घर में पसंद की जाती हैं। लेकिन अब दिल चाहता है कि कुछ इसको चेंज किया जाए, तो मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया है। कैसे किया है आप बिल्कुल देखिएगा कि गोला कबाब सिज़लर जो है वो कैसे बनेगा। आइए चल के देखते हैं। चलिए जी, गोला कबाब सिज़लर के लिए ये मेरे पास चिकन का कीमा है, 1/2 kg। अब हम इसमें अपनी इंग्रेडिएंट शामिल करते हैं, फिर इसको हम अच्छा सा पीस लेंगे। ये है मेरे पास 1 अदद प्याज दरमियाना साइज़ की, अदरक लहसुन का पेस्ट ये जाएगा इसमें 1 tablespoon भर के हमने इसमें शामिल कर दिया। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ज़ीरा पाउडर, ये ज़ीरा पाउडर 1 teaspoon भर के, गरम मसाला पाउडर 1 teaspoon, इसी भी लाल मिर्च का पाउडर 1.5 teaspoon, नमक डालेंगे हम इसमें तकरीबन इसे 1/4 teaspoon डाल दीजिएगा। ये क्या 2 से 3 हम इसमें डालेंगे ये हरी मिर्चें। ये है पीपली या आप कबाब चीनी पाउडर, ठीक है ना, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं या मिक्स करके भी लें। ये मैंने 1/4 teaspoon, जहन में रखिएगा इसकी क्वांटिटी को हमेशा कम रखते हैं वरना आपकी डिश स्पॉइल हो सकती है। ये तकरीबन मेरे पास यहाँ पे 1/4 teaspoon है, ये मैंने डाल दिया, इससे कबाब का टेस्ट बेहतरीन होगा। अब डालेंगे हम इसके अंदर ये लेमन जूस जो जाएगा तकरीबन 1 tablespoon। इसके बाद हम इसमें बाइंडिंग लाना चाह रहे हैं, तो बाइंडिंग के लिए क्या डालेंगे, ये एक ब्रेड का स्लाइस है, ये मैंने ले लिया, ये मैं इसके अंदर शामिल कर लेती हूँ। ठीक है, हम डालेंगे इसके अंदर ऑयल जो कि जाएगा इसमें तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया। अच्छे से पीसेंगे और फिर आगे क्या करेंगे ये हम आपको बताते हैं। चलिए, ये तमाम इन्ग्रीडियंट जो है वो हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छा सा बारीक सा पीसेंगे और फिर 15 से 20 मिनट हम इसको रखेंगे। ठीक है, ये देखें आप कितना अच्छा सा बारीक सा ये पिस चुका है बिल्कुल। इसको मैं इसमें निकालती हूँ और फिर इसके बनाएंगे हम शानदार से गोला कबाब। कैसे बनाएंगे आप देखिएगा, और साथ साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ और भी याद दिला दूँ, ये है कि यहाँ पर आपको अदरक लहसुन के पेस्ट से लेके पिसे हुए गर्म मसाले हर एक की रेसिपी आपको मिलेगी इंशाल्लाह ताला, तो बिल्कुल आप देखते रहिए। अब मैं बनाती हूँ इसके गोला कबाब और उसके बाद हम इसको कैसे फ्राई करेंगे ये आपको हम बता। पहले आपने इसको थोड़ा सा नीट करना है अच्छे से, जैसे अब हम कोफ्ते बनाते हैं तो बहुत बेहतरीन तरीके से इसको बाइंड कर लेते हैं, अच्छे से कीजिएगा। और उसके बाद इस तरह की कोई स्टिक नहीं है आप, तो फिर आप ये काम ये भी कर सकते हैं कि किसी भी स्पून की बैक से भी आप ये बना सकते हैं। चलें, ठीक है, ये हमने बना लिए और ये साइज़ आपने ये ही रखना है और उसके बाद हम इसको निकाल के बाहर रख लेते हैं। ये बन रहे हैं, मैं सारे इसी तरह से बना रही हूँ, फिर इसको हम कोयले का धुआं लगाएंगे लेकिन फ्राई करने के बाद। हमारे सारे गोला कबाब तैयार हो चुके हैं, हमने यहाँ सिज़लर को गर्म होने के लिए रख दिया, साथ ही यहाँ पे कोयला भी गर्म हो रहा है ताकि हम अच्छा सा एक इसको कोयले का स्मोक दे सके। यहाँ पर मैं 3 से 4 टेबल स्पून में डालूंगी यहाँ पे ऑयल, ठीक है ना, थोड़ा सा इसको गर्म होने देते हैं, बहुत ज़्यादा तेल में मत बनाइएगा और ना ही बहुत कम में, दोनों तरह से सही है, मीडियम हीट पर आपने इसको बनाना है। ठीक है, ये हो जाए, थोड़ा सा गर्म होगा तो फिर मैं ये कबाब, अच्छा जिससे तो आप कबाब डालेंगे उससे भी थोड़ा सा इसको इस तरह से हल्का सा एक शेप देते जाइएगा ताकि जो हमने रखा है ना तो उससे थोड़ा सा शेप में फ़र्क आ जाता है। ठीक है, आप चाहे तो उसको बारबेक्यू भी कर सकते हैं लेकिन ऑब्वियसली हर घर में बारबेक्यू की सहूलत मौजूद नहीं होती है, तो मैंने सोचा कोई ऐसी रेसिपी बताएं जो इजीली आप घर में इसको बना सकें। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने बेहतरीन हो रहे हैं ये, तो मैं करती हूँ ये देखेंगे अच्छा सा इसके हल्का सा कलर आ रहा है जो हमें रिक्वायर है और ये अल्हम्दुलिल्लाह अंदर से कुक हो रहे हैं। अच्छा जी, अब हम लगाने जा रहे हैं इसको स्मोक और इसके लिए हमारा कोयला किसी हद तक हो गया, ये इसमें रखेंगे और थोड़ा सा ऑयल या आप घी डाल सकते हैं, इसको हमने कवर कर दिया
बेहतरीन सा इसमें स्मोक आ चुका है, इसको हम निकाल देते हैं। अब इसके हम वेजिटेबल्स कुछ हम फ्राई करेंगे, वो कैसे करेंगे आपको बताते हैं। अच्छा जी, कबाब फ्राई हो गए, उसको हमने स्मोक दे दिया। अब बारी आती है हमारी वेजिटेबल्स जो है, इनको हम थोड़ा सा स्टर फ्राई करेंगे, 2 टेबल स्पून तरह सा शाइन आ जाए। तो हम डालेंगे ऑयल, इसमें वेजिटेबल्स हैं आप अपनी पसंद की ले सकते हैं, इसमें गोभी है, शिमला मिर्च है, गाजर है और जुकीनी है, ये सब मैं इसके अंदर शामिल करती हूँ और तेज़ आंच कर देती हूँ। और सिज़लर हमारा बहुत अच्छा सा गर्म हो चुका है, यहाँ पर मैं इसमें थोड़ी सी काले मिर्च हाफ टी स्पून, 1 पिंच नमक की, ठीक है नमक, इसमें वर्सरशायर सॉस 1.5 टी स्पून। सिज़लर हमारा बेहतरीन सा गर्म हो गया, इसमें हम एक साइड पे ये थोड़ी सी डालेंगे, यहाँ पे ये बंद गोभी डालेंगे, ये कपा, ये ऑयल, ये देखिए सिज़लिंग साउंड आपको बहुत ज़्यादा आएगी। ये जो धुआं फैला हुआ था ना, ये जो सिज़लिंग की जो थोड़ा सा धुआं फैलता है ना, गले में हल्का सा लगता है, लेकिन क्या है कि जब आप खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, बहुत ही शानदार सी ये रेसिपी। अच्छा, इससे पहले भी मैंने आपको एक कबाब बनाना सिखाया था, क्या था, चटखारा कबाब कढ़ाई, बहुत ही शानदार सी वो रेसिपी थी। अगर आपने नहीं देखी है तो बिल्कुल जनाब, इसका लिंक हम यहाँ पर दे देते हैं और डिस्क्रिप्शन पर भी दे देंगे, तो आप बिल्कुल उस रेसिपी को देखिएगा, बनाइएगा, इन्जॉय कीजिएगा और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल पकाओ दिल से। अल्लाह हाफिज़। Too long.